उन्नाव रेप केस में पीड़िता का सीबीआई ने बयान दर्ज किया। पीड़िता का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। अब जांच एजेंसी पीड़िता के वकील का बयान दर्ज करेगी जो अभी भी आईसीयू में है। इस मामले में सीबीआई की जांच पूरी हो गई है। सीबीआई 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सड़क हादसे की जांच पूरी करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया था। सीबीआई ने 4 हफ्ते की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया था। अब 2 हफ्तों के अंदर ही सीबीआई को अपनी जांच पूरी करनी होगी। 19 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक्सीडेंट में घायल पीड़िता के वकील को भी 5 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। अब अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के परिजन के एक पत्र पर संज्ञान लिया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के गुंडों से परिवार को धमकियां मिलने का आरोप था। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल पीड़िता का इलाज एम्स में चल रहा है। उसे लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे एडवांस सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है।